ये कुछ एसेट्स लिखे मैंने, इनके आईयूपीएसी में उनका मैंने दो लिखूँगा। अब देखो आईयूपीएसी इजी है, इसमें कितने कार्बन है, एक। तो एक के लिए रूट क्या होता है, एक के लिए रूट क्या होता है, मीथ। और इसमें डबल बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन नहीं, सिंगल। तो जब सिंगल तो क्या लिखेंगे, मीथ है। और क्या लगाते हैं, लार वाइक ऐसे, मीथेन वाइक ऐसे। और कॉमन नेम क्या है इसका, इसी का कॉमन नेम क्या होता है, फार्मिक ऐसे, फार्मिका या फार्मिक ऐसे, रेड एंट वाला। तो यहाँ पर कितने कार्बन है, एक दो। दो के लिए क्या होता है, मीथेन वाइक ऐसे, इथेन वाइक ऐसे। और दो के लिए क्या होता है कॉमन नेम, एसिटिक ऐसे। ये कितने है, एक दो तीन चार। चार के लिए रूट क्या होता है, ब्यूट। और सारे सिंगल माने कार्बन कार्बन, तो ब्यूटेन। और ये एसिड क्या है, वाइक एसिड। और चार के लिए कॉमन नेम क्या होता है, ब्यूट्राइक एसिड, बटर वाला। ये देखो इसमें कितने कार्बोक्सिलिक एसिड है, दो। तो आईयूपीएसी में कितने कार्बन है, देखो वन ये टू, कितने हैं, दो कार्बन है। तो दो के लिए क्या होता है, इथेन, इथ इथ। और ये कार्बन कार्बन सिंगल मान होता है, ये कार्बन कार्बन क्या होता है, यहाँ ऐसे सिंगल बॉन्ड होता है। जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो क्या करेंगे, इथेन। और ये कितने एसिड्स हैं, दो। तो डाई वाइक ऐसे, इथेन डाई वाइक एसिड, तो इथेन डाई वाइक एसिड। लेकिन कॉमन नेम क्या है, ऑक्सैलिक एसिड। तो इथेन डाई वाइक एसिड को हम क्या कहते हैं, ऑक्सैलिक एसिड। दूसरा देखो इसी की तरह है, इसमें जो कितने हैं, एक दो तीन। यहाँ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तीन के लिए वो रूट क्या होता है, प्रोप। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा, प्रोपेन। और यहाँ कितने कार्बोक्सिल है, दो। तो प्रोपेन डाई वाइक एसिड, प्रोपेन डाई वाइक एसिड। और प्रोपेन डाई वाइक एसिड कॉमन नेम क्या होता है, इसका कॉमन नेम होता है मेलोनिक एसिड। तो ये आपको टेबल थोड़ा देखना है। अब ये देखो ये कितने हैं, एक दो तीन चार। यहाँ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, चार के लिए रूट क्या होता है, ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड कैसे क्या होता है, ये ब्यूटेन। और कितने कार्बोक्सिल है, दो। तो ब्यूटेन डायोइक एसिड। और ब्यूटेन डायोइक एसिड का कॉमन नेम क्या होता है, सक्सिनिक, सक्सिनिक एसिड। ब्यूटेन डायोइक एसिड को हम कहते हैं सक्सिनिक एसिड। यहाँ देखो एक दो तीन चार, कितने हैं, पाँच। तो पाँच के लिए हम क्या होता है, रूट वर्ड पेंट। पाँच के रूट वर्ड पेंट है। लेकिन यहाँ कार्बन कार्बन क्या है, सारे सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होगा, पेंटेन। और कितने कितने कार्बोक्सिल है, दो। तो डाय वाइक एसिड, पेंटेन डाइक एसिड। और पेंटेन डाइक एसिड का कॉमन नेम क्या होता है, ग्लूटारिक एसिड। क्या होता है, ग्लूटारिक एसिड। तो ये उसके बाद ये देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स है ये। तो सिक्स के लिए रूट क्या होता है, हेक्स। और सिंगल बॉन्ड है कार्बन, तो क्या होता है, हेक्सेन। कितने कार्बोक्सिल, दो है। तो हेक्सेन डाइक एसिड। और हेक्सेन डाइक एसिड का कॉमन नेम क्या होता है, एडिपिक एसिड। हेक्सेन डाइक को हम क्या कहते हैं, एडिपिक एसिड। अब ये देखो वन टू थ्री फोर, इसमें डबल बॉन्ड है। देखो इसको नेमिंग करो वन टू थ्री, तो इस नेमिंग क्या होगा, पहले सेकंड में थ्री, मतलब ब्रांचेस, यहाँ कोई ब्रांच नहीं है। उसके बाद रूट वर्ड कितने हैं, यहाँ रूट कितने हैं, यहाँ चार। तो हम कहेंगे चार में क्या होगा, ब्यूट। और उसके बाद सेकेंडरी थ्री फिक्स किया, इसमें डबल बॉन्ड है, यहाँ किस पे है, टू और थ्री में। तो हम कहेंगे ब्यूट टू ईन, ब्यूट टू ईन, ब्यूट टू इन, ब्यूट इन। उसके बाद इसमें कितने कार्बोक्सिल, दो। ब्यूट इन क्या होगा, डायोइक एसिड। ब्यूट टू इन डायोइक एसिड। तो ब्यूट टू इन डायोइक एसिड क्या होता है, ब्यूट टू इन डायोइक एसिड। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, इसका कॉमन नेम क्या होता है, इसका कॉमन नेम मैलिक एसिड और फ्यूमरिक एसिड होता है। मैलिक एसिड और फ्यूमरिक एसिड, मतलब ब्यूट टू टू इन डायोइक एसिड। इसका नाम मैलिक एसिड भी होता है और इसका नाम फ्यूमरिक एसिड भी होता है। मैलिक एसिड, और जब जिसमें ब्यूटीन है, डबल बॉन्ड है, तो यहाँ सिस और ट्रांस आइसोमर्स होंगे ना, तो सिस और ट्रांस की वजह से एक इसका सिस फॉर्म होगा मैलिक एसिड और इसका ट्रांस फॉर्म होगा फ्यूमरिक एसिड। मतलब मैलिक एसिड और फ्यूमरिक एसिड, ये दोनों क्या है, सिस और ट्रांस आइसोमर्स हैं। मैलिक एसिड एंड फ्यूमरिक एसिड क्या है, सिस और ट्रांस आइसोमर्स। मैलिक एसिड कौन सा फॉर्म है, मैलिक एसिड सिस फॉर्म है, और फ्यूमरिक एसिड कौन सा फॉर्म है, ये ट्रांस फॉर्म है। तो ये थे कुछ कॉमन नेम एसिड के, उनको ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे प्रायोरिटी ग्रुप्स की। प्रायोरिटी ग्रुप्स ये है, मतलब
सबसे प्रायोरिटी ग्रुप्स कौन से हैं, अगर मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप हो तो पहले आप किसको सिलेक्ट करोगे, जब डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो तो नंबर वन कौन सा होगा, तो सल्फोनिक एसिड को छोड़ो तो नंबर वन कौन सा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब अगर आपके पास ये सारे ग्रुप लगे हो, अमाइनो लगा हो, OH लगा हो, कीटोन लगा हो, अल्डिहाइड लगा हो, CN लगा हो, अमाइन लगा हो, कुछ भी लगा हो, उसमें कार्बोक्सिल नंबर वन कौन होगा, कार्बोक्साइल। तो कार्बोक्साइल नंबर वन है, मतलब आपको जो याद करना है वो लिखना, कार्बोक्साइल नंबर वन है, इनको छोड़ते जाओ, इनको छोड़ो, इनको भी छोड़ो, इसको भी छोड़ो। उसके बाद जो है वो कार्बोक्साइल है, उसके बाद क्या है, मतलब ये ईस्टर है, ईस्टर को छोड़ो, एसिड हैलाइड छोड़ो, इसको अमाइड छोड़ो, CN है, CN मतलब एसिड के बाद यहाँ दूसरा CN, और CN के बाद क्या है, अल्डिहाइड, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड भी लगा हो और अल्डिहाइड भी लगा हो, तो नेमिंग किसको करोगे पहले, इसको, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेन चेन, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रांच। अगर कार्बोक्साइड लगा हो और कीटोन लगा हो तो मेन कौन होगा, ये क्या होगा, ब्रांच। अगर कार्बोक्साइड लगा हो, अल्कोहल लगा हो तो मेन ये होगा, ये क्या होगा, ये सिक्वेंस है, मतलब ऊपर वाला जो लगा होगा नीचे वाले सारे क्या होंगे, ब्रांच। यहाँ देखो, अगर अल्डिहाइड लगा है, अल्डिहाइड के नीचे क्या है, कीटोन लगा हुआ, तो मेन चेन कौन होगा, अल्डिहाइड। अल्कोहल लगा है भी, मेन चेन कौन होगा, अल्डिहाइड। अगर अमोनिया अमाइन लगा है भी, मेन कौन होगा, अल्डिहाइड। अगर इसको आप ले लो कीटोन, ये तो तीनों में, तो मेन कौन होगा, ये इन दोनों में मेन कौन सा होगा, ये होगा। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर है। अब मैं ऐसा कर रहा हूँ, सारे फंक्शनल ग्रुप एक साथ लिख रहा हूँ, फिर उसके हिसाब से इसको हम करेंगे। ये कार्बोक्सिल, ये बस करो, ये है एल्डिहाइड है, और यहाँ इसमें OH है, यहाँ इसमें NH2 है, और यहाँ इसमें क्या, ये ईथर है, और यहाँ ये कीटोन है, और यहाँ ये क्या है, कार्बोक्सिल। अब देखो सारे, और अगर मैं सही हूँ सारे, ये हो गए, अब ये सारे हैं। अब देखो यहाँ से, देखो जो अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड मेन चेन में क्या होता है, अल, अगर अल्डिहाइड क्या होता है, ब्रांच का काम करता है, मतलब फंक्शनल ग्रुप एसिड होगा या कुछ इससे ऊपर वाला जो भी होगा, तो अल्डिहाइड क्या होगा, ब्रांच। ब्रांच में अल्डिहाइड को हम क्या कहेंगे, ऑक्सो और फार्माइल। जब कीटोन अल्डिहाइड दोनों ब्रांच में, तो कीटोन को हम ऑक्सो कहेंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे, फार्माइल। अगर सिर्फ क्या है, अल्डिहाइड है तो ऑक्सो लिखेंगे, अगर उसमें अल्डिहाइड भी है, कीटोन भी है, लेकिन मेन चेन किसका, इसका है, दोनों क्या हो जाएंगी, ब्रांच, तो कीटोन को आप ऑक्सो लिखो, इसको क्या लिखो, फार्माइल लिखो। और उसके बाद अल्कोहल को क्या लिखेंगे, साइड चेन में हाइड्रोक्सी, और इसको अमाइन, तो पता है। और ये बात, अब इसको नेमिंग नंबरिंग करो, नंबरिंग करने के बाद इसका नाम लिखेंगे, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबर वन एसिड है, 2, 3, 4, 5। उसके बाद पहला रूल क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, मतलब क्या है, पहले ब्रांचेस को लिखो, मतलब ब्रांचेस को लिखना है। अब ब्रांचेस कौन है यहाँ, ये ईथर ब्रांच है, अमाइन ब्रांच होगा, कीटोन ब्रांच होगा, अल्कोहल ब्रांच होगा, और ये अल्डिहाइड ब्रांच है, मैन ये है। तो हम क्या करेंगे, अल्फाबेटिकली लिखेंगे, जब कीटोन और अल्डिहाइड दोनों हैं, तो कीटोन को हम क्या लिखेंगे यहाँ ब्रांच में, ऑक्सो, अल्डिहाइड को लिखते हैं ऑक्सो, लेकिन कीटोन की वजह से इसको हम क्या लिखेंगे, फार्माइल। कीटोन की वजह से इसको हम क्या लिखेंगे, फार्माइल। और ये इथोक्सी है, ये आपका ईथर है, इथोक्सी। और ये हाइड्रोजन अल्कोहल क्या होता है ब्रांच में, हाइड्रोक्सी, और ये क्या होता है, अमाइन। तो अल्फाबेटिकली लिखेंगे, तो अल्फाबेटिकली लिखने शुरू करेंगे, तो हम कहेंगे अमाइनो ए से है, तो पहले ए आएगा, तो क्या होगा इसका नाम, 3 अमाइनो। उसके बाद क्या होगा, ए के बाद बी, बी इसमें कोई नहीं है, सी, सी क्लोरो भी नहीं है, डी, ई, ई देखेंगे, ई इसमें क्या है, इथोक्सी। देखो ई किस पोजीशन पे, 3, तो हम कहेंगे 3 इथोक्सी, ये भी आएगा 3 इथोक्सी भी आ गया। उसके बाद 3 इथोक्सी के बाद कौन सा आएगा, ई के बाद क्या है, ई एफ, एफ में क्या है, देखो फार्माइन, तो हम कहेंगे 5 क्या होगा, फार्माइन, अल्डिहाइड को फार्माइन कहेंगे। एफ फिर जी एच, एच मतलब हाइड्रोक्सी, तो हम कहेंगे उसमें क्या होगा, 4 क्या होगा, हाइड्रोक्सी, ये भी होगा। हाइड्रोक्सी के बाद कौन सा बच रहा है, कीटोन, तो क्या होगा, 2 ऑक्सो, तो ब्रांचेस सारे हो गए। उसके बाद क्या होगा, प्राइमरी और रूट वर्ड, कितने रूट्स हैं, कितने आप कार्बन हैं, 5, तो वर्ड करेंगे पेंट, हो गया। उसके बाद सेकेंडरी प्रीफिक्स, क्या इसमें डबल बॉन्ड है, नहीं, सारे सिंगल, तो क्या लगाओ, एन,
उसके बाद सेकेंडरी सफिशन फंक्शन भी कौन सा है, एसिड है, तो एसिड क्या होगा, क्वाइक एसिड, और एसिड के लिए आपको कार्बन नंबर वन शो नहीं करना है, कार्बन नंबर शो नहीं करना है। तो ये एक और मिक्स करता हूँ, एक और मिक्सिंग करता हूँ, इसको नेमिंग करो, नंबरिंग करो, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, कौन सा फंक्शन ग्रुप मैन है, मैंने कहा कार्बोक्सिल हुआ, कीटोन हो, अल्कोहल हो, एल्डिहाइड हो, जो भी हो, वो ब्रांच हो, नंबर वन कौन सा हो, हो गया मैं। अब हम क्या करेंगे, इनको हम अल्फा क्या करेंगे, पहले ब्रांचेस को, ब्रांचेस कौन से हैं, कार्बोक्सिल के अलावा जितने भी फंक्शनल ग्रुप है सब ब्रांच है, ये ब्रांच, ये ब्रांच, ये ब्रांच, ये ब्रांच, ये ब्रांच, ये ब्रांच, और ये ब्रांच। तो ब्रांच इसका नाम कैसे लिखेंगे, अल्फाबेटिकली, अल्फाबेटिकली पहले ए सा लिखेंगे, ए से क्या है, अमाइनो, अमाइनो किस पोजीशन पे है, अमाइनो इसमें है, इसमें अमाइनो नहीं है, छोड़, इसका बी, बी मतलब ब्रोमो, ब्रोमो किस पोजीशन पे, कार्बन नंबर फाइव पर लिखेंगे, फाइव ब्रोमो, सही है, और बी के बाद सी, तो फाइव क्लोरो भी आएगा, उसके बाद सी के बाद डी, डी तो नहीं है, और सी ये है साइनो, ठीक है, जो सी एन है वो क्या होता है, वो होता है साइनो, दोनों सी से है लेकिन ये पहला दोनों लेटर सेम है, लेकिन ये एच है ये वाई है, तो पहले एच फिर वाई, तो सेवन साइनो, सेवन साइनो, सेवन साइनो, उसके बाद जो है वो साइनो के बाद कौन सा आएगा, थ्री इथोक्सी, थ्री इथोक्सी, उसके बाद ई के बाद एफ जी एच, सेवन साइनो थ्री इथोक्सी, थ्री इथोक्सी, इथोक्सी थ्री हो, ई फिर जी, जी में कोई नहीं, एच, एच में हाइड्रोक्सी, ये फोर हाइड्रोक्सी, ये होगा फोर हाइड्रोक्सी, उसके बाद हाइड्रोक्स जी एच आई जे के ओ, ये न्यूट्रॉन का ऑक्सो, उसके बाद हम क्या करेंगे, रूट कोड कितने, नाइन, तो हम कहेंगे नॉन, उसके बाद सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, इसमें डबल बांड है, हाँ किस पे है, छः पे है और आठ पे है, तो नॉन सिक्स आठ गाय ई, ये हो गया, और सेकंड सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या है, इसमें कार्बोक्सिल कैसे एक है, तो नॉन सिक्स एट डाई इन फाइव कैसे, ये सब की सब क्या है, ब्रांच फाइव ब्रोमो फाइव क्लोरो सेवन साइनो थ्री थोक्सी फोर हाइड्रोक्सी टू ऑक्सो नॉन सिक्स एट डाई इन फाइव कैसे, इसको अब बाहर निकालो, सिक्स एट नॉन डाई इन फाइव कैसे, नहीं कर सकते इसको,